स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी विल स्टडी टुडे लेसन वन, टू स्मार्ट इडियट्स। वी शैल हैव फर्स्ट मीनिंग एंड देन आई विल लेट यू नो अबाउट टू स्मार्ट इडियट्स। प्लीज स्टार्ट राइटिंग। First meaning, delicious, it means swadist, second meaning, intelligent, बुद्धिमान। opportunity, it means अवसर। विस्लिंग, सिटी बजाना। कॉरिडोर, दैट मीन्स गलियारा। वैनिस्ट, चंपत हुआ। स्टेल, बासी। रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया। laughingly, हंसते हुए। एग्जिट,
निकाश सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज ए लिटिल स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स बोथ फ्रेंड्स आर कमिंग आउट for a little small picnic in the very fine evening. They dressed well and entering to a 5-star hotel where it was written on the entrance gate welcome it was written welcome and they stepped in and found that there is two types of items one was stale food and one was fresh food so one of the friends remarked that why we will have stale food if there is fresh food so both of them got ready to have their food but children both are themselves thinking that they are very very intelligent wise and brilliant but in the story we see that they themselves were being fooled they thought of entering in the hotel that we will enjoy very delicious food but lack of their understanding lack of their knowledge they thought that we are going to have a very very nice supper but as they were stepping out they were stepping out they found themselves at the end of at the exit of the hotel both of them were ashamed thinking that we are out of the hotel so children we should not be very much overacting by our knowledge we should always follow the rule regulations wherever we may visit so let us study only one paragraph I will read and let you know the meaning of the sentences. It was just a fine evening when two friends who were smartly dressed entered a 5-star hotel. यह एक बहुत ही सुंदर संध्या का बेला था जब दो मित्र
बहुत बढ़िया से सज धज करके 5-star होटल के लिए प्रवेश लेते हैं। द मेन गेट वॉज लुकिंग अट्रैक्टिव एज इट फ्लैश वेलकम इन न्यून लाइट्स। स्वागत द्वार पर बहुत ही भव्य तरीके से प्रकाश रोशनी चमक रही थी। आह दैट इज टू वेलकम अस। और दोनों मित्र ये सोचते हैं यह इसलिए ऐसा है क्योंकि ये हम लोगों के लिए स्वागत कर रहा है। वेरी नाइस पीपुल सेड वन ऑफ द फ्रेंड्स। और उनमें से एक ने कहा ये लोग कितने अच्छे हैं कि होटल पर इस तरह की लाइट प्रकाश की व्यवस्था भी किए हैं। लेट अस गेट इन टू हैव डिनर टुनाइट। चलिए आज की रात हम लोग यहीं पर भोजन करेंगे। हम लोग अंदर प्रवेश लेते हैं। विथ ए स्माइल ऑन देयर फेस दे क्रॉस द गेट एंड गॉट ऑन टू ए पॉइंट वेयर देयर वेयर टू डोर्स इन साइड द कॉरिडोर। मुस्कुराते हुए वे लोग अंदर प्रवेश करते हैं और जहाँ पर दो दरवाजे गलियारे में मिलता है। वन ऑफ द डोर बोर द वर्ड्स गुड फूड व्हाइल द अदर डिलीशियस फूड। एक दरवाजे पर लिखा था कि अच्छा भोजन, जबकि वहीं पर दूसरे पर लिखा था स्वादिष्ट भोजन। द टू फ्रेंड्स थॉट फॉर ए मोमेंट एंड देन वन सेड गुड फूड इज जस्ट व्हाट वी टेक एट होम डेली। तो एक मित्र उनमें से कहता है कि गुड फूड का मतलब होता है कि जो हम लोग नित्य घर में भोजन करते हैं। वी बेटर टेक डिलीशियस फूड हियर। तो अच्छा होता कि हम यहाँ डिलीशियस फूड लेंगे। सो दे पुश्ड ओपन द डोर ऑफ डिलीशियस फूड एंड गॉट इन। इसीलिए उस दरवाजे को उन लोग खोलते हैं जिस दरवाजे के ऊपर लिखा था डिलीशियस फूड और अंदर प्रवेश लेते हैं। दे हैड जस्ट गॉन ए फ्यू स्टेप ऑन व्हेन दे सॉ टू मोर डोर्स bearing the words stale food and fresh food। वहाँ भी अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें दो दरवाजे और दिखलाई देते हैं। एक दरवाजे पर लिखा हुआ था stale food, तो दूसरे दरवाजे पर लिखा हुआ था fresh food। One of the friends remarked, It makes no sense to take stale food. We are always fond of fresh food. तो उनमें से एक मित्र ने इस तरह से रिमार्क करता है, कमेंट करता है कि ये स्टेल फूड लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग हमेशा फ्रेश फूड ही लेते हैं। Yes, you are right, said the other. तो दूसरा बोला, बिल्कुल आप सही बोलते हैं। We must have fresh food here. यहाँ हम लोगों ताज़ा ही भोजन, fresh food ही को ग्रहण करेंगे। Well, they opened the door of fresh food and stepped in like gentlemen. वे लोग दरवाज़ा खोलते हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति की तरह फ्रेश फूड लेने के लिए प्रवेश करते हैं। बट दे वेयर अगेन इन फॉर सरप्राइज। लेकिन फिर उन्हें आश्चर्य का सामना करना पड़ता है। दे फाउंड टू मोर डोर्स विच डिक्लेयर्ड फूड बाय कैश एंड फूड ऑन क्रेडिट। वहाँ पर भी लिखा हुआ है एक दरवाजे पर कि
फुट बाय कैश, तो दूसरे दरवाजे पर लिखा हुआ है फूड ऑन क्रेडिट।